नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं दुनिया का मशहूर रेस्टोरेंट मोती महल, अब आपके शहर आजमगढ़ में, सेंट्रल बैंक के नीचे पुरानी सब्जी मंडी आजमगढ़, रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स प्रथम तल, जालांस मेगा शॉपिंग मॉल आजमगढ़ और वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के 19वें स्थापना दिवस पर पार्टी द्वारा मऊ जिले में आयोजित जनसभा में चुनावी गठबंधन की घोषणा के बाद बुधवार को अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे सपा मुखिया एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर दम भरा। भाजपा से गठबंधन के बाद सपा अध्यक्ष ने दावा किया कि सुभाषपा भाजपा की सत्ता का दरवाजा बंद करेगी और सपा उसमें ताला लगाएगी। मऊ जिले में सुभाषपा की जनसभा को संबोधित करने के बाद जिला मुख्यालय पर पुलिस लाइन परिसर में हेलीकॉप्टर से पहुंचे अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर ने पिछले चुनाव में भाजपा का दरवाजा खोला था, अब वही दरवाजा बंद करेंगे। इसके बाद सपा दरवाजे में ताला लगाएगी। बुधवार की दोपहर आजमगढ़ पहुंचे अखिलेश यादव 2-3 प्रवास करेंगे। प्रथम दिन सपा के पदाधिकारियों से सर्किट हाउस में मुलाकात कर चुनावी रणनीति तय करेंगे। इसके बाद गुरुवार को वो शहर से सटे अनवरगंज स्थित इंटर कॉलेज में जिले के 130 मेधावियों को लैपटॉप का वितरण करेंगे। पुलिस लाइन हेलीपैड पर मीडिया से बातचीत के दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर के साथ सपा का गठबंधन इतिहास रचेगा और साथ में लड़कर यूपी को बचाने का काम करेगा। मऊ की महारैली में उमड़े जन सैलाब में जो उत्साह देखने को मिला वो निर्णायक साबित होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग बाबा साहब की विचारधारा को बनाना चाहते हैं वो सभी आए हुए थे। ये गठबंधन प्रदेश की खुशहाली व बदलाव के लिए है। अखिलेश ने कहा कि जिस तरह से मऊ में ऐतिहासिक भीड़ उमड़ी उससे साफ दिख रहा है कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। अपने संसदीय क्षेत्र में न आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारे लिए आजमगढ़ व इटावा एक जैसा है। ये सरकार बनाने का चुनाव है। आजमगढ़ हमारे लिए नया नहीं है। पूर्वांचल की जनता अपने सम्मान को समझती है और इस बार के विधानसभा के चुनाव में भाजपा का सफाया होगा। भाजपा के समर्थन से सपा दलित, शोषित और पिछड़े वर्ग का भरपूर समर्थन पाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट देने की घोषणा की थी, जो 4.5 साल बीतने के बाद भी पूरी नहीं हुई, इसलिए वो सरकार को वादा याद दिलाने के लिए मेधावी छात्रों को लैपटॉप वितरित कर रहे हैं। कहा कि भाजपा ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन आय तो दोगुनी नहीं हुई, महंगाई दोगुनी भले हो गई। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा ने बड़े उद्योगों को बेचकर नौकरी और रोजगार के अवसर समाप्त कर दिए हैं, इसलिए जनता विपक्ष को जीतकर भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देगी। आजमगढ़ में आगमन के दौरान पुलिस लाइन में सपा के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का भव्य स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मंत्री बलराम यादव, पूर्व सांसद नंदकिशोर यादव, पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव करेली, विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, नफीस अहमद, पूर्व विधायक आदिल शेख, सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव आदि मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी का कार्यक्रम था। हलदर के मैदान मऊ में ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है और जिस तरीके से गठबंधन और साथ लड़ने का, साथ में मिल करके आगे उत्तर प्रदेश को बचाने का काम होगा, आज का जो जन समर्थन था और जन समर्थन में जो उत्साह जोश था वो ऐतिहासिक परिणाम देगा। तमाम वो लोग जो वंचित हैं, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, जिनके हक और सम्मान के साथ खिलवाड़ हुई है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अधिकारों को बचाना चाहते हैं, वो सब इकट्ठे एक मंच पे हुए। बहुजन के बाद जो है ये भीड़ आपको कितना फायदा दी? बहुजन समाज पार्टी और पहले भी गठबंधन हुए हैं, ये गठबंधन उत्तर प्रदेश को खुशहाली और बदलाव के लिए है। जो सवाल आप पूछ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा ओम प्रकाश राजभर जी ने खोला था और ऐसा दरवाजा खोला कि उन्हें बहुमत मिल गया दोनों जगह पर। इस बार वही दरवाजा ओम प्रकाश राजभर जी बंद कर दे रहे हैं और लगा बचा
जो उसमें लॉक लगना है वो हम लोग लगा देंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है उत्तर प्रदेश से। भाजपा से मजबूती लग रही है आपको? जो जन समर्थन, जो उत्साह दिखाई दे रहा है, उससे ऐतिहासिक परिणाम आएंगे। खासतौर पे नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में एक मीटिंग में कहा कि पूर्वांचल अब हमारा है, और खासतौर पे आजमगढ़, अखिलेश यादव उसे भी पूर्वांचल अपना कहते हैं, दोनों को लेके आप कितना खुशी है कि पूर्वांचल की जनता बहुत ही राजनीतिक है और पॉलिटिकल है, और पूर्वांचल की जनता अपने सम्मान को समझती है। इस बार जिस तरीके से गठबंधन हुआ है, बलिया से लेकर के जैसे ही लखनऊ पहुंचेंगे, पूरा सफाया आपको भारतीय जनता पार्टी का दिखाई देगा। को लेके कई बार सवाल उठे, यहाँ तक कि लोगों ने पोस्टर तक लगा दिए। वाराणसी में कई रैलियां हुई, आजमगढ़ में उसकी अपेक्षा में आपकी कम आना जाना भी हुआ रैलियां? देखिए, आजमगढ़ मैंने पहले ही कहा है कि कोई आजमगढ़ हमारे लिए नया नहीं है, और आजमगढ़ और इटावा हमारे लिए एक सा है। ये जो ऐतिहासिक काम हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि जहाँ पर हमें मौका मिला है और बड़ा काम करने के लिए। ये सरकार बनाने का चुनाव है, मुझे खुशी है कि ना होने के बाद भी समाजवादी और यहाँ की जनता को लगातार हम लोग ध्यान में रखते हैं, और हमारी पार्टी का संगठन नेता लगातार उनकी सेवा करते हैं, और जहाँ कहीं हमारी जरूरत होगी हम उनके साथ खड़े हैं। अभी भी आपने लैपटॉप को लेके पिछले साल से, पिछले जब परीक्षा हुई थी उस समय मैंने तय किया था, और ये याद दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को किया था कि भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था अपने घोषणा पत्र में कि वो टैबलेट और लैपटॉप देंगे, लेकिन आज 4.5 साल पूरे हो गए हैं और सरकार का समय खत्म होने जा रहा है, नौजवानों को कुछ नहीं मिला। जो लैपटॉप और जो टैबलेट देने का वादा था वो भारतीय जनता पार्टी भूल गई। भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी उन तमाम अच्छे नंबर प्राप्त करने वाले बच्चों को लैपटॉप देने जा रही है। अच्छा भैया, किसान के मुद्दे वहीं रह गए, गैस, महंगाई, सारी चीज वहीं रह गई। भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि जिन किसानों की आय दोगुनी की बात की थी, आज महंगाई दोगुनी हो गई, धान की कीमत नहीं मिल रही, गन्ने का अभी भी बकाया है, और जिस तरीके से महंगाई खाद की, डीएपी की, डीजल पेट्रोल की हुई है, और कीटनाशक दवाइयों से, इससे गरीब और किसान बर्बाद हो जाएगा। जिस तरीके से रास्ता अपनाया भारतीय जनता पार्टी ने कि बड़े उद्योग कारखानों को बेचना, न नौकरी न रोजगार के अवसर भी खत्म हो रहे हैं। विपक्ष की कमजोरी नहीं लगती? विपक्ष लड़ रहा है और लगातार लड़ रहा है, और जनता इस बार दिखाएगी विपक्ष को जिता करके। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में 2 दिवसीय दौरे पर हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे की बाबत जानकारी देते हुए समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता व पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव करेली ने एबीसी न्यूज को बताया कि अखिलेश यादव जी मऊ में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की 19वीं स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करने के बाद आजमगढ़ आएंगे, और इसके बाद सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करने के बाद 28 अक्टूबर को नरौले स्थित रमा हॉस्पिटल में रमा कैथ लैब का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दुर्गा जी इंटर कॉलेज सहदा के प्रांगण में 2020 में उत्तीर्ण कक्षा 10वीं और 12वीं के 130 उत्कृष्ट मेरिट के मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप वितरित करेंगे। कार्यक्रम के बाद लखनऊ रवाना हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में 18 लाख छात्र छात्राओं को लैपटॉप वितरित किया था। श्री यादव ने कहा कि वर्तमान योगी जी की सरकार ने 2017 के चुनाव में अपने संकल्प पत्र में कहा था कि सभी छात्रों को टैबलेट व हर महीने 1 GB डेटा मुफ्त देंगे, लेकिन 5 साल बीत गए, योजना का पता नहीं चला। यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम लोगों के नेता हैं, पूरा प्रदेश उनके आस्था से देख रहा है, निगाह से देख रहा है, तो वो आज मऊ में जाएंगे हलधरपुर हेलीकॉप्टर से। वहाँ ओम प्रकाश की पार्टी से तालमेल का मामला है, वो जनसभा में भाग लेंगे, और वहाँ से हेलीकॉप्टर से आपके पुलिस लाइन आजमगढ़ में करीब 3 और 4 के बीच में आ जाएंगे। फिर ये पुलिस लाइन से हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी यहाँ से फिर सर्किट हाउस जाएंगे, रात विश्राम करेंगे, और ये नहीं फिर आप लोग रहवे करेंगे, हम लोग भी रहेंगे। पूरा जनपद वासियों की तरफ से हम भी मैंने शुभकामना देते हैं उनको, और आप भी दे रहे हैं, क्योंकि ये जो
अत्याचार, बेरोजगारी, महंगाई ये बढ़ी है, ये इसको समाप्त करने के लिए जो उनका परिश्रम है और जो उनकी नीति है उस पर आज पूरा प्रदेश भरोसा कर रहा है। तो बहुत लोग मिलेंगे, मिलने के बाद कल करीब 10 और 11 बजे के बीच में कार से वहाँ से आएंगे रामा अस्पताल में, हार्ट को कोई यूनिट है उसका उद्घाटन करेंगे, फिर यहाँ से चले जाएंगे वो सैदा दुर्गा जी पीजी कॉलेज में, और वहाँ जितने 2020 के माने टॉपर मेधावी छात्र हैं और छात्राएं हैं सबकी सूची है, वो सूची हम लोगों को उपलब्ध करा दी गई है, हम लोग गार्जियन और उनके घर जा कर के बता दिए हैं और सबको इकट्ठा करके हम लोग लाएंगे और उनको वो लैपटॉप बांटेंगे। कितने लाभार्थी हैं? 130 लाभार्थी हैं और उसके बाद लखनऊ चले जाएंगे। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बुधवार को नेहरू हॉल के सभागार में यूनियन बैंक द्वारा आयोजित ऋण वितरण मेला का शुभारंभ किया। लाभार्थियों को चेकों व प्रमाण पत्रों का वितरण करते हुए उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। समारोह को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने एवं युवाओं, किसानों एवं महिलाओं को बिजनेस व्यापार से जोड़ने के लिए अधिक से अधिक बैंकों द्वारा लोन का वितरण किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे जनपद के इकोनॉमिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा अन्य प्रकार के व्यवसायों के लिए प्रचार प्रसार कर लोगों को ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा कि जनपद आजमगढ़ पूरे पूर्वांचल का केंद्र है, यहाँ से पूर्वांचल के सभी जनपदों की अच्छी कनेक्टिविटी है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के प्रारंभ हो जाने से बनारस एवं गोरखपुर के साथ ही अन्य जनपदों से भी व्यवसाय के लिए जनपद में आवागमन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अच्छे संसाधन एवं बेहतर आवागमन से जुड़ने तथा बैंकों के सहयोग से आजमगढ़ बिजनेस का हब बन सकता है। जिलाधिकारी ने बैंकों से कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित लोन के लक्ष्य को समय से पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कीमों में दिए गए लोन को प्रत्यावेदन को समय से निस्तारित करें। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्तियों को अधिक से अधिक लोन देकर व्यापार के लिए प्रोत्साहित करें। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर पीएन एंटरप्राइजेज, एके हैचरी, विनायक गिफ्ट सेंटर, महेंद्र गुप्ता, मोहम्मद रेहान, उमेश यादव, दीपक चौहान, किस्मतुन निशा, कमल मोदनवाल, दुर्गा महिला स्वयं सहायता समूह, उमा शक्ति महिला, आदित्य बर्तन स्टोर तथा मनोज कुमार पांडे आदि लोगों को लोन पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर यूबीआई के बैंक प्रमुख सहित विभिन्न बैंकों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। आज ग्राहक संपर्क ऋण अभियान के तहत ऋण मेला जनपद आजमगढ़ में आयोजित किया गया, जिसमें सभी बैंकों द्वारा सहभागिता की गई है, जिसके तहत आज लक्ष्य आपका 100 करोड़ के ऋण वितरण का है। ये बहुत ही आवश्यक है, जब कोरोना के बाद जब स्लो डाउन हो गया उसके बाद इकोनॉमी को गति देने के लिए बहुत ही अच्छा स्टेप है। भारत सरकार द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया, जिसके लिए काफ़ी लोग यहाँ पे आज आए हैं और लाभान्वित होंगे। मैं सभी को बधाई भी दूंगा और सभी को शुभकामनाएँ भी दूंगा कि सभी इस मेले को सफल बनाने में सभी बैंकर्स भी योगदान करें, सभी प्रशासनिक अधिकारी योगदान करें और सभी लाभार्थी जो हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई दूंगा और शुभकामनाएं दूंगा कि अपना जो नया काम शुरू कर रहे हैं, जिस उद्देश्य से शुरू कर रहे हैं उसको एक प्रॉफिट अर्निंग एक वेंचर बनाएं और अपनी प्रगति के साथ साथ जनपद जिले की और प्रदेश देश की प्रगति में भी अपना हिस्सेदारी दें। बुधवार को श्रम विभाग एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन सदर तहसील स्थित सभागार में किया गया। उप श्रमायुक्त राजेश कुमार ने कार्यक्रम में उपस्थित श्रमिकों से ई श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगारों के पंजीकरण कराने तथा उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, श्रम कल्याण परिषद द्वारा संचालित योजनाओं, बाल श्रम विद्या योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम में उपस्थित महिला श्रमिकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सुश्री अनीता, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अधिनियमों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। उपश्रम आयुक्त राजेश कुमार ने बताया कि मुख्य अतिथि सुश्री अनीता, सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 25 लाभार्थियों को प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजित करने का निर्देश दिया गया, जिसमें कि हमारे जनपद के विभिन्न लाभार्थी श्रमिकों और अन्य पंजीकृत श्रमिकों द्वारा इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य कि जनपद के ऐसे लोग जो दूरदराज क्षेत्रों में रहते हैं या एक ऐसे आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके से संबंधित हैं, जिनको कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न कानूनी पहलुओं पर जानकारी प्रदान करना और जिसमें कि श्रम विभाग का जो रोल इतना है कि हमें उन्हें विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देना, तत्समय उन्हें सरकार द्वारा चलाई जा रही, हमारी प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी हो और जिसका वो लाभ उठा सकें। हमने यहाँ पर जो अपने विभाग के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही उनके बारे में विस्तारपूर्वक बताया। मैं जो हमारी विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव हैं अनीता जी, उन्होंने भी विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जो भी जानकारी थी सभी श्रमिकों को दी, जिसको भी उन्होंने धैर्यपूर्वक सुना जाना और उनके द्वारा दिए गए निर्देश पर वो उसको अमल में ज़रूर लेंगी और उसका लाभ उठाएंगी। मैंने श्रम विभाग द्वारा पुत्री विवाह योजना, मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना में और मृत्यु एवं विकलांग सहायता योजना के अंतर्गत 25 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बांटे। जनपद आजमगढ़ के अहरौला थाना के छतौना मोड़ के समीप शाम को बाइक सवार बदमाशों ने पूर्व BDC 42 वर्षीय मोहम्मद सलीम पर फायर कर दी। पहली गोली बगल से निकली लेकिन दूसरी गोली लगते ही पूर्व BDC गिर गया। हमलावर घटना को अंजाम देकर मौके से फरार होने में सफल रहे। इस घटना की सूचना पर 112 पुलिस व एम्बुलेंस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस सलीम को लेकर CSC पहुंची, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। घटना के कारण को लेकर तमाम आशंका व्यक्त की जा रही है। बताया जा रहा है कि गोली उसके बांह में लगी है। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने बताया कि खतरे से बाहर है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तहरीर मिलने पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। शाम करीब 6 बजे UP 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना अहरौला क्षेत्र में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। उक्त सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर मजरूह मोहम्मद सलीम, जो थाना अहरौला के ही ग्राम धनेश पांडे का रहने वाला है, उसको CHC इलाज हेतु लाया गया, जहां से उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। मजरूह की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। अभी प्रकरण के संबंध में कोई तहरीर प्राप्त नहीं है। तहरीर प्राप्त होने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर शीघ्र अभियुक्तगण की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। ऑल टीचर्स एंड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन अटेवा के जिला संयोजक सुभाष चंद्र यादव ने बुधवार को प्रेस को जारी विज्ञप्ति में बताया कि पुरानी पेंशन बहाली और निजीकरण व्यवस्था को समाप्त करने को लेकर शिक्षक कर्मचारी 28 अक्टूबर को पूर्व मुख्यमंत्री व आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव को ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी संस्थान रोजगार के सृजन है, इनका निजीकरण करना देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। केंद्र सरकार में जनवरी 2004 व प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2005 से पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म करके बाजार आधारित नई पेंशन व्यवस्था लागू कर दी है, जो शिक्षक कर्मचारियों के हित में नहीं है। अल्प मानदेय पाने वाले कर्मियों तक को सरकार वेतन नहीं दे पा रही है। मात्र 1500 रुपए पाने वाले रसोईया एक तरफ जहां 8 माह से मानदेय की राह देख रहे हैं, तो वहीं 4500 रुपए मानदेय पाने वाले कर्मियों का भी यही हाल है। जी हां, नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के जलकल विभाग में आउटसोर्सिंग दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में नियुक्त कर्मचारी पिछले 8 माह से बिना वेतन मिले कार्य कर रहे हैं। बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए उन्होंने तत्काल वेतन भुगतान की मांग की। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि वो सभी कोरोना काल में भी प्रतिदिन ड्यूटी करते रहे, फिर भी हम कर्मचारियों का मानदेय 8 माह मार्च से अब तक नहीं मिला है। कर्मचारियों का मानदेय किसी भी पर्व त्योहार, होली, दशहरा, दीपावली, ईद व बकरीद आदि पर नहीं मिला है, जिसके चलते उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। परिवार भूख मर रहा है। मामला ये है कि सर, हम लोगों की तनख्वाह नहीं मिल रही है 8 माह से। जलकल विभाग नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं हम लोग,
और जो कि हमारा ईपीएफ भी पैसा लेकर के 18 माह से नहीं जमा किया गया। अधिकारी के पास हम लोग गए, ज्ञापन दिए एक सप्ताह पहले, कोई आश्वासन नहीं मिला। वो कह रहे हैं बजट नहीं हमारे पास, तो क्यों नहीं वो अपने कर्मचारी का सैलरी रोक देते। हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जो कि अगर नहीं हमारी मांगे पूरी हुई तो हम आगे भी लड़ाई लड़ेंगे, यहाँ से हाईकोर्ट भी जा सकते हैं। दुनिया का नामचीन मोती महल रेस्टोरेंट अब आपके शहर आजमगढ़ में यूएसए, लंदन, बहरेन, यूएई सहित देश विदेश में 100 आउटलेट, वेज, नॉन वेज, इंडियन, चाइनीज और थाईलैंड के लजीज व्यंजन के साथ ही मोती महल की मशहूर तंदूरी चिकन उपलब्ध। वैलेट पार्किंग की विशेष व्यवस्था। आपको वेज है पसंद या आप नॉन वेज के शौकीन हैं, दोनों जरूरतों को पूरा करेगा मोती महल रेस्टोरेंट, सेंट्रल बैंक के नीचे चौक रोड, पुरानी सब्जी मंडी आजमगढ़। जनपद के 80 वर्ष पुराने रघुनंदन प्रसाद रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स आसिफगंज, पुरानी कोतवाली आजमगढ़ की नई ब्रांच रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल सिधारी आजमगढ़। हमारे यहाँ सोने, चांदी एवं हीरे की पूर्णतः हॉलमार्क ज्वेलरी 100% वापसी पर उपलब्ध। आसान किश्तों पर हॉलमार्क ज्वेलरी उचित मूल्य पर प्राप्त करें। ज्वेलरी की शुद्धता मापने के लिए फ्री कैरोमीटर की व्यवस्था। शादी विवाह की करनी हो तैयारी या त्योहारों की हो खरीदारी, आपके भरोसे पर हमेशा खरा उतरेगा रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल सिधारी आजमगढ़। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, क्लच डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।